एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। शर्मा, आप देख रहे हैं भविष्य को। आज 9 अप्रैल दिन रविवार। रविवार का दिन जो रहता है वो सूर्य देव को समर्पित रहता है। अगर हम जागृत देवताओं की बात करते हैं, आप देखिए कि हम बोलते हैं कि शिव जी को चढ़ाइए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, लेकिन आप ये देखिए कि सूर्य देव और चंद्रमा, ये दो ऐसे देवता है जिनको आप साक्षात देख पाते हैं, तो कम से कम इनका पूजन करना तो अवश्य बनता ही है कि जो आपको साक्षात दिख रहे हैं तो उनका पूजन जरूर कीजिए। रविवार के दिन आप सूर्य देव को अर्घ जरूर चढ़ाइए। मंत्र आप जो साथ में बोलेंगे, ओम गणी सूर्याय नमः। अब इससे होगा क्या, अगर आप ये करते हैं तो आपको शासकीय काम में रुकावट नहीं आएगी, आपकी मान सम्मान यश कीर्ति बढ़ेगी। सूर्य जिस तरीके से चमकता है ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में उतना ही सुखमय रहेगा और आपका नाम भी उतना ही चमकेगा। अब हम आपको जो बताने वाले हैं कि आपके घर में अगर धन संपदा की कमी रहती है, लक्ष्मी अगर घर में नहीं टिकती, तो रविवार के दिन आप क्या उपाय करें जिससे धन संपदा आपके घर में टिके और हमेशा ही लक्ष्मी जी आपके घर में विराजमान रहे। उसके पहले हम आपका दैनिक राशिफल जान लेते हैं, फिर आपको यह उपाय बताया जाएगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम मेष राशि वाले से। देखिए मेष राशि वाले के लिए आज क्या है। मेष राशि वाले, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लीजिए। अगर हताश हो रहे हैं तो कोई डिसीजन ना लीजिए। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छी चीजें लेके आया है, तो आज का दिन बहुत शांति से धैर्य से निकालिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों की, वृषभ राशि वाले आज का दिन दान पुण्य में आपका निकलने वाला है और यह आपको बहुत ज्यादा समृद्धि देता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें तो अच्छा रहेगा, थोड़ा उस पर भी ध्यान दें। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फैमिली में बहुत अच्छा माहौल होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो ऐसा दिख रहा है कि लोगों का भी आगमन होता हुआ दिख रहा है। ज्यादा प्रैक्टिकल ना बने तो अच्छा रहेगा, थोड़ा इमोशनल रहेंगे तो आज का दिन आपका बहुत सुखमय गति। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वाले। कर्क राशि वाले, आपका हेल्थ इश्यू दिख रहा है, थोड़े से अनमने दिख रहे हैं, चीजों को सही तरीके से आज आप बैलेंस नहीं कर पा रहे। वहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हमें थोड़ा सा कम दिख रहा है। आज पर्सनली भी अगर आपके रिलेशन में भी कहीं ना कहीं आपको सिग्नेचर की जरूरत पड़े तो आज का दिन आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों। सिंह राशि वाले, अगर आपका मैं देखती हूँ तो चीजें मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। इन्वेस्टमेंट का सही टाइम आ चुका है। जिन लोगों को रोजगार की जरूरत है ये सही समय है, अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर स्टूडेंट्स ट्राई करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहे हैं। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले, चीजें कम्युनिकेशन की ओर जा चुकी हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत बेनिफिट दे रहे हैं आपको और आप जितने भी पिछले कुछ समय से हताश हो रहे थे, अब समय आ गया है हर्षोल्लास का, चीजें आपकी बेटरमेंट की ओर अब जा रही है। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले, नए रिश्ते में बनते हुए हमें दिख रहे हैं और कुछ लोगों को गुड न्यूज भी आती हुई दिख रही है। वही आपके अगर मन में कुछ चल रहा है नया काम करने के लिए तो ये सही समय है उसे क्रियान्वयन करने का। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले, कार्य में थोड़ी देरी हो सकती है, कंप्लीशन में थोड़ा वक्त लग सकता है, हताश ना होइए। समय आपका फेवरेबल चल रहा है, आपको बहुत जल्दी सब चीजें कम्प्लीट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले, समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं चीजों को लेके। अपनी हेल्थ को इग्नोर ना कीजिए और लालच से बचना आपके लिए बहुत जरूरी है।
अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, समय आ गया है कि थोड़ा सा सचेत हो जाए। अकेलापन सता रहा है, फैमिली के बीच में जितना रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने आप को इग्नोर ना करें तो अच्छा है आज के लिए। कुंभ राशि वालों की अगर मैं बात करती हूँ तो कुंभ राशि वाले, बैलेंस बना के रखिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ ही समय में आपको कुछ नया वेंचर्स मिलता हुआ दिख रहा है हमें। दोस्तों से सावधानी बरतने का समय आ गया है। मीन राशि वालों की अगर मैं बात करती हूँ, मीन राशि वाले, आप जो समय आपका आने वाला है, पिछले कई वर्षों से और कई दिनों से कुछ चीजें आपकी अटकी हुई थी, तो ये एक हैप्पी मोमेंट आपका अब आ चुका है। जो चीजें धीरे धीरे क्रियान्वयन होना शुरू हो गई है, यहाँ तक कि जो लोन्स अगर आपके थे तो वो भी अब कंप्लीट होने का समय आ गया है और आपको इन सब चीजों से अब फ्री होते हुए दिख रहा है। ये तो था आपका दैनिक राशिफल। अब मैं आपको बताने वाली थी कि किस तरीके से आप लक्ष्मी जी को स्थायी कर सकते हैं। रविवार के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना गया है। आज के दिन अगर आप 3 झाड़ू खरीद के लाते हैं और रात भर इसे अपने घर में रखे रह दीजिए, उसके बाद सोमवार के दिन अगले दिन ये 3 झाड़ू जाके आप मंदिर में रखाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रिश्तों में तो संबंध जितने भी हैं, तकरार अगर की भी तो खत्म हो जाएगी और धन संपदा आपके यहाँ हमेशा विराजमान रहेगी। ये छोटा सा उपाय करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता।